हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड की ओर से जून क्वार्टर के फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है, जो कि स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, पहले हम लोग कंसोलिडेटेड स्टैंड अलोन फिनांशियल रिजल्ट कवर करेंगे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं नंबर्स करोड़ में दिए गए हैं। इनकम है 2104 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1911 करोड़ और जून 22 क्वार्टर में 2154 करोड़ का इनकम था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो तेजी है लेकिन ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस 2203 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 2054 करोड़ का और जून 22 क्वार्टर में 2489 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक्सपेंसेस इंक्रीज किया लेकिन ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंसेस डाउन हुआ है। गाइज, यहाँ पे देखिएगा तो कंपनी लॉस मेकिंग है, मतलब कि कंपनी को इनकम से ज़्यादा लॉस एक्सपेंस और इसका कंपनी को लॉस हो रही है, लेकिन इस बार के लॉसेस अगर देखा जाए 103 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 142 करोड़ का लॉस था और जून 22 क्वार्टर में 334 करोड़ का लॉस था। यहाँ पे गाइस कंपनी लॉसेस जो है बहुत तेज़ी से रिकवर किया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या फिर ईयर ऑन ईयर में ऑपरेटिंग में गाइस। लेकिन हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट लॉस की बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट लॉस अगर देखा जाए तो 103 करोड़ का यहाँ पे लॉस है, पिछले क्वार्टर में 142 करोड़ का, पिछले साल 334 करोड़ का लॉस था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में लॉसेस रिकवर किया, जबकि यहाँ पे इनकम ईयर ऑन ईयर में गिरावट है लेकिन लॉसेस बहुत तेज़ी से रिकवर किया है। EPS यहाँ पे अगर देखा जाए तो 8.09 रुपीज़ का निगेटिव में है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बहुत तेज़ी से रिकवर किया। तो यहाँ पे गाइस कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए तो ठीक ठाक है, उतना अच्छा रिजल्ट पेश नहीं कर पाई है, एवरेज देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को कवर करें तो नंबर करोड़ में है। यहाँ पे इनकम जो निकल के आया है अगर देखा जाए 3632 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में मतलब 3072 करोड़ का इनकम था, जो कि इनकम में बहुत ही शानदार तेज़ी आई है। एक्सपेंसेस 3961 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में 3607 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था, जो कि एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इनकम ज़्यादा एक्सपेंसेस और इसी कंपनी को लॉसेस हो रहा है, जो कि इस बार का ऑपरेटिंग लॉस है 328 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 635 करोड़ का लॉस था, जो कि पिछले क्वार्टर से बहुत ज़्यादा जो है लॉसेस रिकवर करता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट लॉस की बात करें तो कंपनी को 254 करोड़ का लॉस है, पिछले क्वार्टर में 523 करोड़ का लॉस था, जो कि लॉसेस बहुत तेज़ी से रिकवर किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। EPS 53.08 रुपीज़ का, पिछले क्वार्टर से बहुत तेज़ी से रिकवर किया। तो गाइस यहाँ पे कंसोलिडेटेड रिजल्ट जो निकल के आया है कंपनी का, बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और गाइस स्टैंड अलोन में यहाँ पे अगर हम लोग ऑपरेटिंग लॉस देखे थे, अब हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट लॉस देखेंगे तो 36 करोड़ का लॉस है, पिछले क्वार्टर में 184 करोड़ का लॉस हुआ था और जून 22 क्वार्टर में 331 करोड़ का लॉस हुआ था, जो कि लॉसेस बहुत ही कम हुआ इस बार। और यहाँ पे लॉसेस कम होने का रीज़न है गाइस कंपनी का अर्लियर ईयर्स के रिलेशन में करंट टैक्स जो है इस बार ऐड किया गया 113 करोड़ का, और इसी कारण से गाइस कंपनी का प्रॉफिट जो है इस बार ये लॉसेस जो है रिकवर किया है। आखिर ये कहाँ पे खर्च हुआ है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे कहाँ से ऐड हुआ है ये देखते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पे 7 नंबर पॉइंट में बताया गया, करंट टैक्स इन रिलेशन टू अर्लियर ईयर्स रिप्रेजेंट रिवर्सल ऑफ टैक्स प्रोविजंस ऑन द अकाउंट ऑफ फेवरेबल इनकम टैक्स ऑर्डर्स अलाउिंग सर्टेन डिडक्शंस या क्लेम्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। मतलब कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ डिडक्शन या क्लेम हुआ था इनकम टैक्स ऑर्डर्स के अंडर में जो अलाउ किया गया था, इसी को लेकर टैक्स का प्रोविजन था जिसका रिवर्स किया गया है कंपनी को, और इसी कारण से इसका टैक्स जैसो वापस कंपनी पे जैसो ऐड किया गया, और इसी कारण से इसका लॉसेज जो बहुत तेज़ी से रिकवर किया है। तो गाइज अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।